भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने की। दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी उपस्थित थे। उन्होंने आज सुषमा ने सभा आरंभ होने के साथ साथ सांसदों को बधाई दी कि जो जीत हुई हमारी एफडीआई को रोकने में, उसमें सांसदों की उपस्थिति सबसे बड़ी जीत का कारण है, और जो यहाँ रहकर विरोध किया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, उनको सबको बधाई। कल 9 दिसंबर यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के हिसाब से वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। आज सभा में ये निर्णय हुआ कि माननीय आडवाणी ने पूरी यात्रा में, अपनी काले धन के खिलाफ की यात्रा में, ये कहा था कि हमारे सारे सांसद एक स्टेटमेंट जमा करेंगे जिसमें बताएंगे स्पीकर को और चेयरमैन को कि इलीगली उनकी ना तो कोई संपत्ति, ना कोई बैंक का खाता काले धन का विदेश में है। तो करीब करीब सारे सांसदों के लिखित कागज जमा हो गए हैं। कल हम समय लेकर स्पीकर से लोकसभा के लिए और चेयरमैन से राज्यसभा के लिए समय लेकर उन्हें वो सारे कागज जमा करेंगे। इससे ये हमारी प्रक्रिया पूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की कोई इल्लीगल खाते या प्रॉपर्टियां देश में नहीं है। अजनू के टीले पर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी करीब 28 परिवार, जिनका वीसा खत्म हो गया है पर वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, उन्हें पुलिस एफआरआरओ डिपार्टमेंट जबरदस्ती वहां पर भेजने की कोशिश कर रहा है। हमारे सांसद उनसे मिले थे और बलबीर पुंजी ने वो बात उठाई और ये कहा कि आडवाणी जी के नेतृत्व में या नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर प्रधानमंत्री से बात करे और उनके वीसा एक्सटेंशन का या उनको सिटीजनशिप यहाँ दिलाने का कोई बंदोबस्त किया है। विजय चक्रवर्ती ने अपने आप को संबद्ध करते हुए बताया कि ये अत्याचार सिर्फ दिल्ली में नहीं, पाकिस्तान से हुए शरणार्थियों पर ही नहीं पर बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों पर त्रिपुरा में, मेघालय में और असम में जो लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थी आते हैं वहां से प्रताड़ित होकर, उनको भी बॉर्डर फोर्स जबरन फैसला करके हाथ उनको कागज पकड़ाकर बॉर्डर में पहुंचा देती है। और ये सिर्फ हिंदू शरणार्थियों के साथ हो रहा है, ये घोर अन्याय है। आडवाणी जी ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल केरल का उनको मिलने आया था जो वहाँ के डैम को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री से मिलकर उनकी चिंता को वहाँ पर भी रजिस्टर किया जा सके। तो आडवाणी जी ने कहा कि ये हिंदू शरणार्थियों का विषय और डैम का इशू दोनों लेकर वो प्रधानमंत्री से मिले। You know, there in US court, David Hadley is there in their custody. We could not get all the content of what he confessed there. The Ghulam Nabi Fai also, whether the content of his confessional statement, if we get, I think we should ask for, because he was working against India
and we should ask for his deportation to India so that we can prosecute him here.